हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ME 201 यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर जो 11th चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्प्रिंग जो है एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है, इस तरीके की चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इसको ऑपरेट करके भी हम डे टू डे देखते हैं फ्रॉम अर्लियर और चाइल्डहुड। तो एक बॉल पेन से लेकर के रेलवे के वीगन या फिर रेलवे के चेसिस, बसेस के चेसिस, सब में जो है स्प्रिंग यूज़ में आती है। मोटरसाइकिल के से लेकर के किसी भी ऑटोमोबाइल देख लीजिए, एयरक्राफ्ट देख लीजिए, विदाउट स्प्रिंग कोई भी डायनेमिक मशीन हमें नज़र नहीं आएगी। विदाउट स्प्रिंग या फिर सस्पेंशन कोई भी डायनेमिक मशीन हम नहीं देख सकते। अब ऐसा इसलिए कि जब भी किसी मशीन में डायनेमिक फोर्सेस लगते हैं या फिर वो मूवमेंट में आती है, तो एक बहुत आसान पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसमें इम्पैक्ट लोड्स या फिर सडन लोड्स आने के चांसेस रहते हैं। जो लोड हम कैलकुलेट करके रखते हैं या डिज़ाइन लेवल पर रखते हैं, उससे कई बार ज़्यादा और अनसर्टेनिटी के साथ लोड आते हैं, और वो लोड जो है किसी कंपोनेंट को, किसी मशीन कंपोनेंट को, ऑटोमोबाइल को जो है हार्म कर सकते हैं। तो इस केस में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखते हुए स्प्रिंग्स यानी सस्पेंशन का यूज़ करना होता है। यानी इन केस अगर ये स्प्रिंग है हमारे पास, इसमें अगर एक सडन लोड आ जाए या टेंसाइल या कंप्रेशन टाइप का लोड आ जाए, और मान लीजिए इसके ऊपर वाले पार्ट में हमारा कोई लगेज रखा है या फिर कोई पैसेंजर कंपार्टमेंट है, तो वहाँ हार्म होने के चांसेस रहते हैं। तो स्प्रिंग बीच में एक बैरियर का काम करता है जो इम्पैक्ट लोड को विदस्टैंड करेगा, टॉलरेट करेगा, ये अपने आप में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो सारे लोड की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और काफी धीरे से उसको रिलीज करेगा। और ज्यादा स्मूथ ऑपरेशन अगर बनाना है तो स्प्रिंग के साथ हम कई सारी एक्सेसरीज या मल्टीपल स्प्रिंग या डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग हम लगा सकते हैं, जैसे रबड़ स्प्रिंग लगा सकते हैं, कोई कोई डेम्पर लगा सकते हैं, शॉक अब्जॉर्बर लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जो सस्पेंशन का काम करती है स्प्रिंग की तरह, वो यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के स्प्रिंग जो है इम्पैक्ट फोर्सेस के असर को कम करता है, जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं दोबारा। स्प्रिंग इज एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट दैट स्टोर मैकेनिकल एनर्जी व्हेन इम्पैक्ट लोड इज अप्लाइड ऑन इट। स्प्रिंग्स आर टिपिकली मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील, ज्यादातर केस में जो है स्टील से बनी होती है। अब वर्किंग इसकी देख लीजिए, वर्किंग किस तरीके से है। व्हेन ए कन्वेंशनल स्प्रिंग विदाउट स्टिफनेस वेरिएबिलिटी फीचर इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजीशन, इट एक्सर्ट्स एन अपोजिंग फोर्स अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू इट्स चेंज इन लेंथ। दिस अप्रोक्सीमेशन ब्रेक डाउन फॉर लार्जर डिफ्लेक्शन। द रेट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज द चेंज इन द फोर्स इट एक्सर्ट डिवाइडेड बाई द चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज it is the gradient of the force versus deflection curve. Springs are made from a variety of elastic materials, the most common being spring steel. Small springs can be wound from pre-hardened stock, while larger ones are made from annealed steel and hardened after fabrication. Some non-ferrous metals are also used as spring material. तो ये जो डेफिनेशन है और ये जो वर्किंग है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी, उसका मतलब हम समझते हैं कि स्प्रिंग जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपनी रेस्टिंग पोजीशन, फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजीशन इट्स एक्सर्ट एन अपोजिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। यानी मान लीजिए एक्सटर्नल लोड अगर इधर लगा, तो इसके अंदर ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन से चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, लोड लगने के बाद ये इसकी डायमेंशन में चेंज हो गया, तो रिवर्स डायरेक्शन में ये मटेरियल, स्प्रिंग मटेरियल लोड लगाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि जितना भी डिफ्लेक्शन होगा इलास्टिक लिमिट में ही होगा, इलास्टिक लिमिट से बाहर मटेरियल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसा यहाँ लिखा हुआ दिस अप्रोक्सीमेशन ब्रेक्स डाउन द लार्जर डिफ्लेक्शन। ये जो सिस्टम है, ये जो रिवर्स लोड लगने का, इस लोड को रेजिस्ट करने वाला ये जो पूरा
जो सिस्टम बना हुआ है ये सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही है, लार्जर इलास्टिक लिमिट से बड़े डिफ्लेक्शन के लिए ये सिस्टम फेल हो जाएगा। द रेट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज द चेंज ऑफ फोर्स इट एक्सर्ट्स डिवाइडेड बाय द चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, यानी जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के डेल्टा एफ इक्वल टू के डेल्टा, और के की के को अगर हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो एफ अपॉन डेल्टा, यानी जितना लोड लगाया डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, तो वो कहलाएगा स्प्रिंग रेट या स्प्रिंग स्टिफनेस या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के क्लासिफिकेशन क्या क्या है हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ लोड एप्लीकेशन, लोड एप्लीकेशन के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन देखिए। कॉइल स्प्रिंग है हमारे पास, दीज आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स, कॉइल्स के फॉर्म में बनी होती है। कंप्रेशन एंड एलोंगेशन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज पॉसिबल। कॉइल स्प्रिंग है जो कॉइल या हेलिक्स फॉर्म में होती है और अपने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही है इसका मूवमेंट होता है, डिफ्लेक्शन होता है, यानी इसका मतलब ये ग्रेजुअल या इम्पैक्ट एक्सियल लोड के लिए ही काम करेगी। वो एक्सियल लोड चाहे टेंसाइल हो चाहे कंप्रेशन, किसी तरीके के ट्विस्टिंग लोड या बेंडिंग लोड, बेंडिंग लोड के लिए ये स्प्रिंग डिजाइन नहीं है। फिर हम बात करते हैं लीफ स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग जो है बेंडिंग लोड के लिए डिजाइन होती है मेनली। आप देख सकते हैं ये ऑटोमोबाइल सस्पेंशन के तौर पर यहाँ पर काम आ रही है, और व्हीकल का सारा लोड जो है इसके दोनों एंड पर पड़ेगा तो ये कैंटिलीवर बीम की तरह काम करेगी और इस पर बेंडिंग लोड आएगा। तो लीफ स्प्रिंग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स आर अरेंज्ड वन ओवर अनदर एंड क्लैंप, यानी कई सारी प्लेट्स हैं जो कि अरेंज की जाती है और एक दूसरे के ऊपर और उनको क्लैंपिंग किया जाता है, और डायमेंशन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होती है, लेंथ जो होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग लेंथ होती है। रीजन इसलिए क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाकर देखें तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम देख सकते हैं कि सेंटर पर जो है लोड सबसे ज्यादा आता है, बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा आता है, तो यहाँ पर मटेरियल हमें स्ट्रोंग करना पड़ता है एंड की कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर जो है इसको ग्रेजुअल डायमेंशन में करके मटेरियल सेव कर सकते हैं। दीज आर यूज टू टॉलरेट बेंडिंग लोड, ए फ्लैट स्प्रिंग यूज इन व्हीकल सस्पेंशन, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड बो। फिर हम बात करते हैं टोर्शनल स्प्रिंग, एक और एप्लीकेशन आता है। तो ये देखिए टोर्शनल मेंबर या बार के तौर पे भी यूज में आता है, ये इलास्टिक मेंबर है, ये भी सस्पेंशन में कई सारे व्हीकल्स के सस्पेंशन में काम आता है। ये अपने इलास्टिक रीजन में जाकर के मूवमेंट करेगा, रोटेट करेगा और लोड गियर करेगा और ग्रेजुअली इसको रिलीज करेगा। टोर्शनल स्प्रिंग इस तरीके के अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसमें सर्कुलर पैटर्न बना हुआ है और जो भी लोड इस मेंबर पर लोड आएगा वो यहाँ विदस्टैंड होगा ग्रेजुअली। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन भी हम देख सकते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन कंप्रेशन लोड के लिए तो कंप्रेशन स्प्रिंग हो जाएगी, कॉन्स्टेंट स्प्रिंग हो जाएगी जो सपोर्टेड लोड रिमेन सेम थ्रू आउट द रिफ्लेक्शन, अगर लोड सेम है तो उसके लिए हो जाएगी। वेरिएबल स्प्रिंग हो जाएगी, यानी उसका जो स्प्रिंग का रेजिस्टेंस जो होगा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल स्टिफनेस स्प्रिंग भी होती है, यानी उसकी स्टिफनेस भी चेंज होती है लोड के अकॉर्डिंग। शेप के तौर पे भी इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, जैसे कोई फ्लैट स्प्रिंग है, यानी कोई फ्लैट स्प्रिंग का जो एक पोर्शन या पार्ट हम ले सकते हैं उसको भी एज ए स्प्रिंग यूज में लिया जा सकता है। कई सारे टॉयज या मशीनरीज में भी यूज में आती है मशीन स्प्रिंग। दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीनिंग बार स्ट्रोक विद अ लेथ और मिलिंग ऑपरेशन रादर देन अ कॉइलिंग ऑपरेशन। सिंस इट इज मशीन द स्प्रिंग मे इनकॉर्पोरेट फीचर्स इन एडिशन टू द इलास्टिक एलिमेंट। मशीन स्प्रिंग कैन बी मेड इन द टिपिकल लोड केसेस ऑफ कंप्रेशन एक्सटेंशन टॉर्शन। तो ये कुछ इस तरीके की स्प्रिंग है, द मोस्ट और इस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कैंटिलीवर स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग, होलो स्प्रिंग, वोल्यूज स्प्रिंग, वी स्प्रिंग, ऐसे कई डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट कई सारे नाम जो है दे रखे हैं। जैसे गैस स्प्रिंग, यानी कोई कंप्रेस गैस है वो भी एक तरीके से स्प्रिंग का काम या लोड सस्पेंशन का काम कर सकता है। उस तरीके से कई सारे नाम, रबड़ बैंड का मतलब रबड़ स्प्रिंग जो कहलाती है, इस तरीके की रबड़ से बनी होती है, ये भी स्प्रिंग की तरह काम करती है। स्प्रिंग वॉशर,
वॉशर भी स्प्रिंग की तरह काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने डायमेंशन चेंज करके लोड को जो है बैलेंस करता है। तो इस तरीके से कई तरीके से क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।